जर्नी हो और ये हरियाली आपको देखने को ना मिले, फिर तो जर्नी अधूरी सी रहेगी ना। दोस्तों लोग ना फाटक लगाए लेकिन फाटक के नीचे से अपनी स्कूटी बाइक्स वगैरह लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी के। आज जो है ना अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22479 न्यू दिल्ली और लोहिया खास के बीच चलने वाली ट्रेन शरबत अफला एक्सप्रेस में। वैसे तो दोस्तों नॉर्मली जो ट्रेनें पंजाब की ओर जाती है ना उसका जो रूट रहता है वो रहता है वाया पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए ट्रेनें जो है पंजाब की तरफ जाती है। लेकिन अपनी जो ट्रेन है ना शरबत अफला एक्सप्रेस, इसका रूट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ट्रेन जाएगी वाया रोहतक, जींद, जाखल होते हुए जो है संगरूर होते हुए जो है ये पंजाब में एंट्री करेगी। तो चलिए नया रूट है, एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। बट अभी जो है ना 5 मिनट रह गए डिपार्चर में, तो ट्रेन को बोर्ड करते हैं, उसके बाद जो है बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। जो है ना हमने बोर्ड कर ली है, ट्रेन का नाम है शरबत अफला एक्सप्रेस। और शरबत अफला जो है ना एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है सबका भला। दोस्तों एग्जैक्ट 7 बजे जो है ना अपनी ट्रेन डिपार्ट हो चली है अभी न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। तो चलिए दोस्तों अभी जो है ना आपको ट्रेन की टाइमिंग्स जो है वो बता देता हूँ। तो ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन का नंबर 22479, ये जो ट्रेन है बीच में 5 डेज चलती है, न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 11 से चलती है सुबह के 7 बजे, दोपहर को 2:50 पर दोस्तों आपको पहुंचाती है ये लोहिया खास जंक्शन। हफ्ते में 5 दिन ये चलती है और 2 दिन जो है ये मोगा इंटरसिटी बन के चलती है। बाकी 438 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है लोहिया खास तक। और इसको कवर करने के लिए जो समय लेती है ना ये लगभग 7 घंटे 50 मिनट का समय लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। दिल्ली से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच चुकी है ट्रेन के पहले हॉल्ट पर जो कि है शकूर बस्ती। 2 मिनट का यहां पर हॉल्ट है और 10 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन जो है यहां पर पहुंची है। दोस्तों बात की जाए ना अपनी शरबत अफला एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन की, तो अपनी शरबत अफला चलती है 5 जनरल, 6 सेकंड सीटिंग और 1 AC चेयर कार कोच के साथ। इंडियाज मोस्ट पावरफुल वैक 12 लोकोमोटिव, ग्रेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए दोस्तों, स्टेशन से निकलते ही क्या एक्सेलरेशन पकड़ा है।
फ्लैट आ रहे थे। दिल्ली से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है पहुंच गई है ट्रेन के सेकंड हॉल्ट पर, जो कि है बहादुरगढ़। यहाँ का स्टेशन कोड है BGZ। 3 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर, और ऑफिशियली अब जो है ना अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी है दोस्तों हरियाणा में, क्योंकि बहादुरगढ़ जो है ना वो हरियाणा में ही आता है। बात की जाए अपने ट्रेन के फेयर की ना, तो अगर आप जर्नी करोगे ना सेकंड सिटिंग में, तो उसका जो फेयर है दोस्तों वो है 165 रुपये। अगर आप जर्नी करोगे एसी चेयर कार कोच में, तो उसका जो फेयर है ना वो पड़ेगा आपको 625 रुपये। ये जो फेयर है ये है एंड टू एंड। तो दिल्ली से 71 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है अभी रोहतक जंक्शन पर, ROK। यहाँ का स्टेशन कोड है 3 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर दोस्तों। 74 ट्रेनें जो है यहाँ पर आकर रुकती है, 11 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोहतक जंक्शन से ही ना भारत की पहली CNG ऑपरेटेड ट्रेन भी जो है ना वो रन करती है, जो की जाती है वाया झज्जर होते हुए रेवाड़ी तक। तो सिर्फ 2 मिनट का होल्ड था रोहतक में, और 2 ही मिनट रुकी भी यहाँ पर और डिपार्ट हो चली अपनी ट्रेन यहाँ से। और दोस्तों रोहतक से पहले ना बहादुरगढ़ में काफ़ी ज़्यादा लोकल पैसेंजर जो थे ना वो बोर्ड हुए थे अपने ट्रेन में, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। बट अभी जो है ना थोड़ा सा रश कम हो चला है, काफ़ी लोगों ने डी बोर्ड भी किया है रोहतक में आके ट्रेन को। तो रोहतक जो है ना वो फेमस है अपने क्लोथ मार्केट के लिए। इंडिया की सबसे बड़ी क्लोथ मार्केट जो है ना दोस्तों वो रोहतक में ही है, और रोहतक जो है ना काफ़ी लोगों को रोजगार भी देता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एरिया भी जो है ना वो बनाया गया है। चलिए दोस्तों एक टूर जो है ना अभी आपको वॉशरूम का करवा देते हैं अपनी शरबत का बला एक्सप्रेस का। अभी जो है हम सेकंड सिटिंग के वॉशरूम में आ गए हैं शरबत अपना एक्सप्रेस के, और जैसे आप एंटर करोगे ना वॉशरूम के अंदर तो सामने आपको मिरर मिल जाएगा, लेकिन मिरर जो है उतना साफ सुथरा नहीं है। यहाँ वाटर टैप है, पानी आ रहा है इसमें, और वाटर बेसिन जो है वो क्लीन है। ऊपर की तरफ लाइट मिल जाएगी आपको, यहाँ टावल वगैरह हैंगिंग करने के लिए मिल जाएगा, और उस तरफ जो है आपको फ्लश बटन मिल जाएगा। तो एवरेज है, कंडीशन देखा जाए वॉशरूम का तो वॉशरूम का कंडीशन जो है ना वो एवरेज है अपनी शरबत अपना एक्सप्रेस का। बहुत बढ़िया तो नहीं है, बहुत साफ सुथरा नहीं है, और बहुत गंदा भी नहीं है।
से 128 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है जिंद जंक्शन पर। स्टेशन कोड है यहाँ का JIND, चार प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और जिंद जंक्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो चली जाती है दिल्ली फाजलिका की तरफ, एक लाइन जाती है यहाँ से पानीपत जिंद ब्रांच लाइन, एक लाइन जो है सोनीपत जिंद ब्रांच लाइन, जिस वजह से जिंद जो है जंक्शन है। और अभी अभी दोस्तों जिंद जंक्शन पर ना फिरोजपुर छिंदवाड़ा ट्रेन जो है ना वो अराइव हो रही है और भीड़ देखी है स्टेशन पर, बहुत भीड़ है दोस्तों इस ट्रेन के लिए। अभी सारी की सारी भीड़ जो थी ना अभी जिंद जंक्शन पर इसी ट्रेन की थी। वो देखिए भाई अच्छा खासा रश जो है ना इस ट्रेन में हो रहा है। अभी ट्रेनें जो है ना एक ही साथ डिपार्ट हो रही है अभी जिंद जंक्शन से। अपनी ट्रेन जो है दोस्तों वो आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, सामने है शीतल जल, यहाँ से आप पानी वगैरह जो है वो भर सकते हो। तो ट्रेन अभी पहुंच चुकी है अपनी नरवाना जंक्शन पर। स्टेशन कोड यहां का NRW, चार प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। और 43 ट्रेनें जो है ना इस रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है, दो ट्रेनें जो है ना इस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन जो है ना इस रेलवे स्टेशन पर आकर टर्मिनेट होती है। स्टेशन से निकलते ही गजब का एक्सेलरेशन पकड़ा है ट्रेन ने।
से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है जाखल जंक्शन पर। JHL यहां का स्टेशन कोड है। 3 यहां पर प्लेटफॉर्म है। 56 ट्रेनें जो है यहां पर आकर रुकती है। 2 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती है और 2 ही ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर आकर टर्मिनेट होती है। बात की जाए जाखल जंक्शन क्यों है, तो जाखल से एक लाइन जो है ना वो चले जाती है दिल्ली फाजिलका की तरफ और एक जो लाइन है ना वो वाली चली जाती है लुधियाना की तरफ। तो अभी जो है ना जाखल जंक्शन पर अपनी ट्रेन रुकी हुई है। तो अभी जो है ना हमने यहाँ से ये चाय का कप लिया है, तो चाय का टेस्ट जो है ना वो काफी बढ़िया है। जाखल जंक्शन पर आप चाय जो है ना वो ट्राई जरूर कर सकते हैं। दोस्तों जाखल जंक्शन में ना आपको काफी कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। छोले भटूरे, आलू के परौंठे, पकौड़े, ये सारी चीजों की फैसिलिटी जो है ना आपको जाखल जंक्शन पर मिलने वाली है। दिल्ली से 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है ना पहुंच चुकी है संगरूर रेलवे स्टेशन पर। संगरूर जो है ना पंजाब का एक काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट भी है। और बात की जाए स्टेशन की ना, तो 2 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। यहां का स्टेशन कोड है SAG और इस रेलवे स्टेशन को ना ओपन किया गया था इन ईयर 1905 में। इसे अभी हाल ही में 2020 में जो है ना इलेक्ट्रीफाइड भी किया गया है। तो 2 मिनट का होल्ड था संगरूर में और 2 मिनट के होल्ड के बाद जो है ना अपनी ट्रेन निकल चुकी है संगरूर से। काफ़ी लोगों ने जो है ना यहाँ पर भी डिबोर्ड किया है ट्रेन को और अब जो है ना अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली सी हो चली है।
डैश नाइन। की गुड्स ट्रेन ना मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, अगर आपने पहले कभी देखी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। WDG 4G। ट्रेन अभी 266 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं धूरी जंक्शन पर। DUI यहां का स्टेशन कोड है। 4 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन पर। 63 ट्रेनें जो है यहां पर आकर रुकती है। 3 ट्रेनें जो है इस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो बात की जाए धूरी जंक्शन क्यों है ना, तो यहां से एक लाइन जो है वो चली जाती है बठिंडा राजपुरा की तरफ, और एक जो लाइन है ना यहां से चली जाती है जाखल लुधियाना वाली। 2 मिनट का हॉल्ट था धूरी पर भी, और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद जो है ना डिपार्ट हो चली है अपनी ट्रेन। धूरी में भी दोस्तों आपको ब्रेड पकौड़े वगैरह जो है ना वो मिल जाएंगे, छोले भटूरे भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो खाने पीने के ऑप्शन आपको धूरी जंक्शन पे भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे ना आपको फ्रूट्स भी जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर WHE 7 और WAGON 9 जो है ना वो खड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों लोग ना फाटक लगा है, लेकिन फाटक के नीचे से अपनी स्कूटी बाइक्स वगैरह लेके आ रहे हैं। ऐसा ना करें, ऐसा आपके लिए काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है।
नई दिल्ली से 328 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी सरपता बल्ला एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अभी लुधियाना जंक्शन पर। LDH यहां का स्टेशन कोड है, साथ इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों काफी लोगों ने जो है ना लुधियाना जंक्शन पर इस ट्रेन को डीबोर्ड कर दिया है, हम भी इस ट्रेन को यहीं पर डीबोर्ड कर रहे हैं। और वैसे ये जो ट्रेन है ना आगे जलंधर कपूरथला होते हुए जो है ना लोहिया खास तक जाने वाली है, बट हम जो है यहीं पर डीबोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन को। तो चलिए दोस्तों आज की इस व्लॉग को यहीं पर अब एंड करते हैं और जल्द मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।